नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं निधि। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। खबर नागौर जिले के बोरावड कस्बे से है, जहां दीपावली पर्व के मद्देनजर हर तरफ साफ सफाई का कार्य चल रहा है, लेकिन बोरावड ग्राम पंचायत पंचायत प्रशासन की गैर जिम्मेदार रवैये के चलते सदर बाजार गंदगी के ढेर में तब्दील होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि सदर बाजार में गंदगी के ढेर से व्यापारी परेशान हो रहे हैं। व्यापारियों ने बताया कि दीपावली का त्यौहार नजदीक, अब बाजारों में ग्राहकों की रौनक भी बढ़ने लगी है। ऐसे में सुबह सुबह दुकानें खोलने के साथ ही गंदगी से होकर निकलना पड़ रहा है, जिससे आमजन परेशान है। व्यापारियों ने बताया कि उक्त समस्या से ग्राम पंचायत प्रशासन को बार बार अवगत कराने के बाद भी ग्राम पंचायत प्रशासन कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। व्यापारियों ने बताया कि सदर बाजार के बस्तीमल मेहता की दुकान के सामने व तेली मोहल्ला की गली के बाहर गंदगी के ढेर लगे रहते हैं, जिससे आवारा पशुओं का जमावड़ा भी लगा रहता है। कस्बे में ग्राम पंचायत द्वारा कस्बे में लगाई गई रोड लाइट भी कई मोहल्लों में रखरखाव के अभाव में बंद पड़ी है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच को समस्याओं से अवगत करवाने के बाद भी समस्या जो की त्यों बनी हुई है। बोरावड से ब्यूरो रिपोर्ट। सदर बाजार बोरावड का रास्ता है और यहाँ पे पूरे गांव की गंदगी यहाँ पे लाके डालते हैं, पूरा कचरा यहाँ पे डालते हैं। पंचायत को अवगत करा दिया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हो रही। कल को दिखा दिया, वार्ड मेंबर को दिखा दिया, सरपंच को दिखा दिया, उप सरपंच को दिखा दिया, लेकिन इस पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही। दूसरे मोहल्ले कचरा लाके यहाँ पे पूरे गाँव की गंदगी यहाँ पे लाके डालते हैं बाजार के।